बड़ी फेमस फोगार्ट सिस्टर्स है। है नहीं तो उधर की यहाँ रहने वाली तो वो सिस्टर ही है, वो लास्ट बड़ी में, बड़ी नहीं सिस्टर वो नहीं वाली है, नहीं वो है वाली नहीं है। इनका अच्छे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर। ये बहुत वायरल हुआ था इसका वीडियो। मेरे नाम पे लेटर आया। जरूर किसी ने लव लेटर लिखा होगा। लव लेटर मुझे? हाँ हो नहीं सकता, ये तो लव लेटर ही है। व्हाट द हेल, दिखाओ मुझे, रुको दिखाओ ना। तुम सोच रहे होगे मैं कौन हूँ। इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें सही वक्त आने पे दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि मैं तुम्हारा चाहने वाला हूँ। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूँ, जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा तुम्हारा दीवाना बन गया हूँ। और मैं तुम्हें इतना प्यार करने लगा हूँ कि तुम मेरे सपनों में आने लगी हो। तुम्हारा आशिक। क्या बात है यार, लेटर तो बड़ा अच्छा लिखा है। आज की डेट में लेटर कौन लिखते हैं, सोशल मीडिया से सब कांटेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता है वो इंसान जो पसंद करता हो या जो भी उसके मन में फीलिंग्स थी वो लिखकर बयां कर दे। इस बंदे को ऑलरेडी मेरा नाम, मेरा एड्रेस सब कुछ पता है। मैं ऑलरेडी इतनी परेशान कि कहीं वो घर पे ना घुस जाए। क्यों इतनी टेंशन ले रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। दिन में 3-4 टाइम जैसे दवाई नहीं देते, सुबह दोपहर शाम, खुल गई है। इसकी प्रेगनेंस अच्छी है। ये लो तुम्हारा फिर से एक लेटर आ गया। फिर से आ गया लेटर? हाँ तुम्हारे नाम। मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे उसी का लेटर है। ये है कौन, कब से ऐसे भेज जा रहा है? मैं दुखी हो चुकी हूँ। हाय सिमरन, आई थिंक तुम मुझसे भी मुझे भी याद करती हो जैसे कि मैं तुम्हें। सॉरी अभी तक मैंने अपनी आईडी जो मैं रिवील नहीं की है, पर टाइम आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। प्लेबॉय की तुमने जो पोस्ट डाली वो मुझे अच्छी लगी, खास के तुम्हारी वो ब्लैक ड्रेस। मुझे पता चला है कि तुम फर्दर स्टडीज के लिए दिल्ली छोड़कर जा रही हो। आई विल मिस यू, तुम्हारा आशिक। फिर से कोई नाम पता नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। अब तुम्हें साइको की ना पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। कुछ भी पुलिस कंप्लेंट किस बिना पे, ना उसमें कोई इन्फॉर्मेशन है, ना एड्रेस है बंदे का, ना नाम है, किस बेसिस पे कंप्लेंट रजिस्टर करेगी? उसकी हैंडराइटिंग तो है ना, उसकी हैंडराइटिंग को पहचान तो लेगी पुलिस। हैंडराइटिंग पता चल रही है यार, लिखा किसने है? ये राइटिंग मैंने कुछ दिनों पहले कहीं देखी है। कहाँ? याद, वो तो याद नहीं आ रहा कहाँ देखी, बट मैंने कहीं देखी है। ठीक है जो भी है, पर वो सामने क्यों नहीं आ रहा? यार हो सकता है वो रिजेक्शन से डरता हो ना, क्या पता तुम उसको एक्सेप्ट करो ना करो, और एक्सेप्ट नहीं किया तो उसका दिल टूट जाएगा, फिर वो क्या करेगा बंदा? आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट अगर उसके पास सच्चा है तो मैं ऐसे सच्चे प्यार को रिजेक्ट क्यों करूंगी? आजकल ब्रेकअप के बाद लोग एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को सोशल मीडिया से, सब कुछ डिलीट कर देते हैं, अपनी यादों को मिटा देते हैं कि हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहेंगे। पहले के लोग ऐसे नहीं करते थे, पहले के लोग जो अपने लेटर्स को संभाल के रखते थे, एक दूसरे की यादों को संभाल के रखते थे, कि यादों को कहीं ना कहीं उनके दिल में उन यादों को जिंदा रखते थे। दिल मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी किसी को लेटर लिखा है? हाँ, पर तुम्हें ये क्यों जानना है? जी
एक बार 7th या 8th क्लास की बात है, मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी तो उनको मैं काफी लाइक करता था, तो उनके लिए लिखा था सॉर्ट ऑफ लव लेटर, लेकिन यार दे ही नहीं पाया. क्यों? क्योंकि जब देने का टाइम आया उससे एक दिन पहले वो चली गई. नीडी लेटर. ओह माय गॉड. मुझे क्या पता, पढ़ो. वही करूंगा और क्या करूंगा. हाय नील, आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ. ओके, तुम सोच रहे होगे कि मैं कौन हूँ. मैं तुम्हारा एक सीक्रेट एडमायरर हूँ. तुम्हें किसी लड़की ने लेटर लिखा है? हाँ, वो मुझे भी दिख रहा है. ओह माय गॉड, क्या बात है. अरे रुक तो, आगे तो पढ़ने दे. मैं तुम्हें अपनी आत्मा से ज्यादा प्यार करता हूँ. पागल ही लगता है. तुम्हें लगेगा कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, वो तो कर रहा है भाई, पर समय आने पर मैं अपना प्यार प्रूव कर दूंगा. अरे यार कुछ उल्टा सीधा नहीं करना. ठीक है, जब तुम मुझे देखते हो मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता हूँ. खो जाता हूँ, देखते हो. इतना प्यार, ये मेरे, मुझे कौन देखता है. तुम्हारे कोई जिम में होगा या तो जहाँ तुम जॉब करते हो वहाँ पर तुम कोई, क्या पता. पर लेटर तो आया है तुम्हारे नाम से और किस लड़के ने भेजा है. वो मुझे भी दिख रहा है, लिखा है कि मैं पास में रहता हूँ. यार प्यार तो प्यार ही होता है. जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे एक अलग सी खुशी मिलती है. कौन है ये बंदा, तुम्हारा विक्की? मैं किसी विक्की को तो नहीं जानता. यार मैंने सोचा कि कोई मुझे प्यार कर रहा, तुम्हें भी लड़ जाते हैं. यार लव इज लव, नॉट सामने वाले की फीलिंग्स भी तो देखो ना. प्यार टपक रहा है, वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी ना. क्या बात है, वो लड़के ने लिखा. अरे तो यार तुम्हें लड़के से प्यार करते हैं? तुम्हें लड़के से प्यार करते हैं? ना, मैं किसी से प्यार नहीं करता. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. ओह माय गॉड, एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गाइस. नाम के किसी बंदे को ना मैं ऑफिस में जानता हूँ, ना जिम में कोई विक्की नाम का बंदा आता है. कोई आस-पड़ोस में होगा तो मैं ऐसे कुछ जानते हो. अब तो प्यार ही होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कर तो तुमसे प्यार ही रहा है ना वो. हाँ यार राइट, सही बात. और ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग तो तुम्हें उसकी फीलिंग्स की थोड़ी बहुत तो कदर करनी चाहिए. बिल्कुल सही, कदर करता हूँ. लेकिन इस बात पे मुझे ना एक वो पुरानी कहावत याद आ गई, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ. सुनो, ये लड़का बहुत प्यार है, उसमें नाम मान लिखा हुआ है. क्या ढूंढ रहे हो? डॉक्यूमेंट था यार. कैसे रंग का था? लाइट ब्लू या ब्लू. तुमने रोहित से पूछा? उसको पता होगा शायद. पूछ लिया, उसको नहीं पता. या अंदर चेक करो एक बार जाके. हाँ अंदर देख लिया, तभी तो यहाँ देख रहा हूँ. एक बार से चेक करो. जा क्या देख रहा भाई? कुछ जरूरी चीज देख रहा हूँ. यहाँ पिलो के नीचे थोड़ी होगी तेरी जरूरी चीजें. यार ड्रॉअर में कुछ नहीं, मेरे कीमती सामान रखा हुआ है. तो क्या हो गया, ऐसा भी क्या कीमती सामान है तेरा? यार इसको नहीं पड़ा हुआ एनवेलप. मतलब नील ही वो लड़का है जिसने वो लेटर लिखे थे. यार तू विक्की है? नहीं.
तुम्हारे वहाँ से मिला ड्राइंग रूम से जहाँ तुम ढूंढ रहे थे, ये इंची गिरा पड़ा हुआ था और मैंने जब मैं उठी तो मैंने देखा नहीं, और जब पड़ा